तो देश में लोकसभा के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिल सकते हैं। यहां आम आदमी पार्टी और जेजेपी का खाता खुलने की संभावना कम ही नजर आती है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो इस बार बीजेपी को यहां नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को इस बार झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में बीजेपी को 6 से 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। दैनिक भास्कर का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 7 से 8 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीट का अनुमान। इंडिया टीवी CNX का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 6 से 8 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट का अनुमान। टुडेज चाणक्य का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 4 से 8 सीटें। हरियाणा में कांग्रेस को मिल सकती है 2 से 6 सीट। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया हरियाणा का एग्जिट पोल। बीजेपी को 10 में से 6 से 8 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान। टाइम्स नाउ का हरियाणा का एग्जिट पोल। बीजेपी को 10 में से 7 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी का वोट शेयर 48% के करीब रहने का अनुमान। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 41% के करीब रहने का अनुमान। रिपब्लिक भारत मैट्रीज हरियाणा का एग्जिट पोल। बीजेपी को 10 में से 8 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का हरियाणा के लिए एग्जिट पोल। हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती है 7 सीटें। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 सीटें। TV9 पोल स्टार्ट के मुताबिक हरियाणा का एग्जिट पोल। हरियाणा की 10 में से बीजेपी को 8 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 6 से 8 सीट मिलती दिख रही है, तो वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। अब तो 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सटीक साबित होते हैं। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज।